जिला राइफल क्लब द्वारा एकलव्य स्टेडियम आगरा पर दिव्यांग निशानेबाज सोनिया शर्मा का यूएई में होने वाली शूटिंग प्रतियोगिता के चयन पर जिला प्रशासन सहित क्लब मेंबर्स व कोच सहित अन्य खिलाड़ियों में उत्साह दिखा तो मौके पर मौजूद सोनिया सहित अन्य लोगों ने खुशी जाहिर की। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे ही जनपद की बच्ची ये इंटरनेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन के लिए इसका सिलेक्शन हुआ है और यूएई जाएगी। ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही हर्ष की बात है और हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, अधिकारी हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये जाए वहाँ पर और विजयी होकर लौटे, अपने प्रदेश का, अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, यही उम्मीद है हमारी। देखिए, शूटर तो अपनी प्रतिभा से निकलते हैं, हमारा काम है उनको थोड़ा सुविधा देना। ये शूटिंग रेंज का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर रहा होगा सोनिया को इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेशन दिलाने का, पर हम उसकी जो अपनी प्रतिभा है उसको हम मानते हैं कि मुख्य जो है कॉन्ट्रीब्यूशन उसका खुद का है। हम लोगों ने इस अमृत अभिजात सर के समय ये शूटिंग रेंज का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था और ये तैयार की गई, तो ये भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे जनपद के लिए कि ये शूटिंग रेंज यहाँ उपलब्ध है और मैं मानता हूँ कि इसको यूज़ करके और भी शूटर्स बढ़कर आगे निकलेंगे। और ये आगरा के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है कि आगरा जैसी जगह पर एक शूटिंग के रूप में एक ऐसी प्रतिभावान हम लोगों के पास बच्चे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है कि आज ये लड़की सोनिया जो कि यूएई जा रही है। और निश्चित तौर पर हम लोगों का ये दायित्व है कि हम इस तरीके की जो प्रतिभाएँ हैं उनको प्रोत्साहन दें और जो भी आवश्यक सुविधाएँ हैं जैसा संभव उनको उपलब्ध करा सकें। और हम शुभकामनाएं देते हैं उसको बहुत बहुत कि वो अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करके वापस लौटे। अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी मिली है क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ मैं, तो वर्ल्ड कप कंपटीशन है, कोई छोटा नहीं है क्योंकि सारी कंट्रीज़ आएंगी वहाँ पे। तो मैं यही आशा करती हूँ कि भगवान ने साथ दिया तो बिल्कुल मेडल लेके आऊँगी, मेहनत मेरी पूरी है, बाकी देखते हैं। सहयोग सबका, विक्रांत सर जो कि मेरे कोच हैं, रोहित सर और मेरे रेंज के सारे शूटर्स, सभी ने ही बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मेरे साथ एडजस्ट किया और फैमिली तो हमेशा से साथ रही ही है। चुनौती ये है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत होती हैं कि अच्छा परफॉर्म करना है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ वहाँ पर। देखिए, जो आज उस बच्ची को जहाँ नाम पहुँच रही है, वो सेलेक्ट हुई है वर्ल्ड कप के लिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब इतने भारत की इतनी जनसंख्या में से एक शूटर को वहाँ जाना, उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारे पास इतने शूटर मेहनत कर रहे हैं, एक बच्ची दिव्यांग कैटेगरी में खेलने जा रही है, तो हमारे लिए तो बहुत गर्व भरी बात है। और ये बच्ची देश का नाम रोशन करें और हमारे ज़िले का नाम रोशन करें, हमारी राइफल एसोसिएशन का नाम रोशन करें, तो बहुत अच्छा। हम लोगों को तो इतनी खुशी है कि हम कह भी नहीं पा रहे उस चीज़ को। आज सोनिया जो है विश्व कप प्रतियोगिता में शूटिंग में प्रतिभाग करने के लिए जा रही हैं, उनका एक सम्मान समारोह था। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय की तरफ से उनको आशीर्वाद प्रदान किया गया और अगर ये पदक जीत करके आती हैं वापस तो खेल निदेशालय के दौरान के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की जाएगी। आज जिलाधिकारी महोदय जब स्टेडियम आए तो खिलाड़ियों की ओर से उनसे तीन चीज़ों पर मुख्यतः चर्चा हुई। पहला कि काफ़ी समय से जो हमारे रेसलिंग के खिलाड़ी हैं इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए अभ्यास करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसके लिए एक शेड की बात की गई, तो जिलाधिकारी महोदय ने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। जिला राइफल एसोसिएशन की जो शूटिंग रेंज है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अभी तक की 10 मीटर की बेस्ट शूटिंग रेंज है। हमारे पास इंटरनेशनल प्रैक्टिस के लिए भी इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। उसी का नतीजा है कि सोनिया जैसी लड़की ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, लगातार उसके इस साल के प्रदर्शन में कई मेडल लेके आई। और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन ने जो पहल करी थी, अमृत अभिजात साहब यहाँ डीएम थे और अरुण प्रकाश एडीएम सिटी थे और श्याम सिंह यादव जी हमारे शूटिंग के अध्यक्ष थे और राज्यवर्धन राठौड़ साहब ने इसका भूमि पूजन किया था, तो उन सब के प्रयास का आज नतीजा निकल के आया कि आगरा से दो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय गए, एक मयंक पाठक, एक ये सोनिया शर्मा। आपको बता दें कि सोनिया शर्मा लंबे समय से शूटिंग रेंज में अपने कैरियर की सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी।
यूएई में होने वाली वर्ल्ड प्रतियोगिता चयन से उनकी मेहनत रंग लाई है, तो जिला प्रशासन ने भी किसी भी खिलाड़ी को आगे बढ़ाने में मदद करने की बात कही है। तो स्टेडियम आरएसओ अजय सेठी ने भी स्टेडियम सहित शहर के अन्य खेल स्पॉट पर खिलाड़ियों के हितों को देखते हुए कार्य कराने की बात जिला प्रशासन के सामने रखी है। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। लॉयर्स कॉलोनी सर्विस रोड पर बना है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लीलाधर हॉस्पिटल। समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज दूरबीन विधि द्वारा, पित्त की थैली की पथरी, हार्निया, गुर्दे के ऑपरेशन, बच्चेदानी व नसों की जांच, गुर्दे की पथरी, भगंदर बवासीर, स्तन की गांठों का इलाज, इमेज टीवी में देखकर हड्डी की जांच एवं जोड़ने की सुविधा, ICU, NICU, AC वार्ड एवं AC रूम की सुविधा, नेबुलाइजर ऑक्सीजन की सुविधा, वेंटिलेटर, पेसमेकर, कार्डियोलॉजी आदि की सुविधा, उचित रेटों में इलाज, लीलाधर हॉस्पिटल, बाईपास रोड NH2 आगरा।